पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, लेकिन जहां भाजपा और जो सत्ताधारी गठबंधन है उसके बीच विवाद की स्थितियां उत्पन्न होनी थी, वहीं लेफ्ट और जदयू के बीच तलवारें खिंच गई हैं। महागठबंधन में एक बार फिर से बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ विश्व में एक बहुत बड़ी युद्ध की तैयारी चल रही है, इस वक्त भी गाजा और इसराइल के बीच लगातार जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, फिलिस्तीन लगातार इसराइल पर हमला कर रहा है और इसराइल रिटालिएट कर रहा है, ये मामला अब बिहार तक पहुंच गया है। बिहार में सदन शुरू होने से पहले जो माले के विधायक हैं वो एक साथ खड़े होकर फिलिस्तीन और गाजा के पक्ष में नारे लगा रहे थे, तख्तियां लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, मौन धारण करने के लिए गाजा के लोगों के लिए, जो हताहत हुए हैं उनके लिए मांग कर रहे थे। इसी बीच जदयू के परबत्ता के विधायक सामने आए और उन्होंने इस पूरी घटना की भत्सना की। उन्होंने ये तक कह दिया कि आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले लोग इंसान नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही ये हमारे सहयोगी सरकार में, लेकिन ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। ये कैसे खुलेआम आतंकवाद और आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के विधायक के द्वारा दिए गए बयान के बाद बिहार में महागठबंधन में एक बड़ी लकीर खींच दी जाती है। जदयू किस तरफ जाएगी, लगातार इसको लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है। नीतीश कुमार भाजपा की तरफ जा सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में परबत्ता विधायक द्वारा दिया गया ये बयान निश्चित तौर पर इस तरफ इशारा करता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, और जिस तरीके से माले या लेफ्ट के ये जो विधायक हैं प्रदर्शन कर रहे थे, इससे जदयू बहुत नाराज है। अंदर अंदर सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में बोलेंगे तो बहुत दुखद है ये मतलब कि आप सपोर्ट कर रहे हैं हमास को, हिजबुल्ला को, तालिबान को। तो इनसे अच्छा रहता कि मैं इनको बोला कि इनको गाजा पट्टी भेज दिया जाए और वहीं पे जाके ये शोक सभा करें, यही अच्छा रहेगा ऐसे लोगों के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज सदन के अंदर और सदन के बाहर ये एकदम गलत है, ये सब आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं ऐसे विधायक, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए हमारे समझ से। ये कार्रवाई के लायक है एकदम ये। लेकिन आपके साथी हैं, अरे साथी हैं तो साथी हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आप आतंकवादी संगठन का बड़ाई कीजिएगा? ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं अब ये बात उनसे पूछिए, इसमें मैं नहीं कह रहा था, मेरे हाथ में रहता तो मैं इनको ऐसे ऐसे विधायकों को जो आतंकवादियों का तारीफ कर रहे हैं, चाहे ऐसे कोई भी आदमी, उनको मैं जेल भेज देता अगर मेरे हाथ में रहता ये, समझे ना? ऑब्वियसली मैं करूंगा ऐसे लोगों से। आप बताइए कितना दुखद है, हमारे पूर्व माननीय सदस्य की मौत पे शोक का बात चल रहा था, इनको हमास में जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं उनका शोक है, तो भाई आप गाजा पट्टी इनको उठा के भेज दिया जाए। मैं टिकट कटवाने का पैसा देता हूँ इनका, भारत सरकार वीजा दे तो मैं इनको गाजा पट्टी भेज दूंगा, वही हमास के साथ इनको भी वहीं पे शहीद हो जाए तो वही अच्छा रहेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।